हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं गेहूं के आटे से एक इतना हेल्दी नाश्ता लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हम रोज रोज सोचते हैं कि अपने घर में कुछ अलग हटके नाश्ता बनाएं, तो आज का नाश्ता एकदम घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगा। इसे आप भी जरूर बनाइए और टेस्ट करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आटे से हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है गेहूं का आटा 1 कटोरी, 1 कटोरी दही, आधा कटोरी बेसन, कुछ थोड़ा सा तेल लिए हैं हम जितना यूज होगा करेंगे, आधा इंच अदरक को हमने काट लिया है, हरी धनिया पत्ती जिसे हमने धो के काट लिया है, एक प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, एक टमाटर चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हम हींग यूज करेंगे। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम सामान को साइड कर देते हैं और एक बड़ा सा बॉल ले लेते हैं। बॉल में हम सबसे पहले डालेंगे गेहूं का आटा, बेसन, दही। दही ताजी हो तो भी चलेगा, थोड़ा खट्टी हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनता है। अब हम एक व्हिस्क की मदद से इसे फेंट लेते हैं। बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दही को हमने आटे के साथ मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने जिस कटोरी से दही डाला था उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डाल दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा और डालेंगे और व्हिस्क की मदद से हम इसे अच्छे से घोल तैयार करेंगे। एकदम हमें पकौड़े के घोल जैसा घोल तैयार करना है। अच्छे से हम इसे घोल लेंगे। आप चम्मच से भी इसे घोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से घोल जाना चाहिए। अब हम इसमें सब सब्जियां ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे अदरक, धनिया पत्ता, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग डालिए। हमने सभी सब्जियां ऐड कर लिया है। अगर आपको ज्यादा चटपटा खाना है तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, बच्चों के लिए है तो मिर्च मत डालिए। 1 चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, इससे स्वाद बढ़ जाता है और ये पचने में भी आसान रहता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना घोल तैयार हुआ है। तो ऐसे हम चलाते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गया है, ये अपना बेटर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे अच्छे से ये फूल जाएगा, फिर इसका नाश्ता बहुत बढ़िया तैयार होगा। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम बेटर चेक कर लेते हैं। तो हम कवर हटा लेंगे, एक कलछी की मदद से हम फिर इसे घोल लेंगे। आप देख सकते हैं अपनी बेटर की थिकनेस, हमें ऐसी ही बेटर चाहिए नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख लिया है, गैस को हम ऑन कर लेंगे। पैन में हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, तेल को फैला देंगे। अब हम इसमें बेटर के घोल को फिर से एक बार चला लेंगे और 1 चम्मच बेटर लेंगे। पैन में हम धीरे से छोड़ देंगे
और हल्का सा हम इसे ऐसे फैलाएंगे। तो आप देखिए ये अपना सेक ले चुका है, हम इसे मीडियम फ्लेम पे सेकना है। ऊपर से अपना घोल सूखना चालू हो गया है, हम साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे तेल डाल देंगे और फिर हम स्पैचुला की मदद से इसे फ्लिप करेंगे। ऐसे हम थोड़ा सा टेढ़ा करके सेक कर देंगे, दिख जाएगा कि अपनी नाश्ता पकी है नहीं। फिर हमने फ्लिप किया, अब ध्यान से देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो हमें दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक सेकना है इसे। तो चलिए हम इसे फिर से निकाल लेते हैं। दोनों साइड से अपना सीक चुका है, एकदम बढ़िया कलर आया है। इसे हम ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम बाकी के सभी नाश्ता तैयार कर रहे हैं। ऊपर से चीला अपना सूख चुका है, हम किनारे किनारे थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे वाली परत अच्छे से सीख चुकी है, हम इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड से भी हम 2-3 मिनट पका लेंगे। दूसरे साइड से भी सीख चुका है, अब हम इसे स्पैचुला की मदद से फिर डिश आउट करेंगे। सेम प्रोसेस से तेल डालते जाएंगे, तेल को फैला लेंगे, घोल को हम इसमें छोड़ देंगे। अगर बड़ी नाश्ता बनानी है तो आप थोड़ा सा बेटर और बढ़ा दीजिए तो बड़ी साइज की बन जाएगी। और ऐसे ही हम सेक के उधर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमने गेहूं के आटे से दही डाल के कितना बढ़िया हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। इसे आप सुबह शाम या डिनर लंच में कभी भी बना सकते हैं, टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।